यूक्रेन जंग में पश्चिम पर पुतिन का बड़ा आरोप। रूस हमेशा से शांति वार्ता चाह रहा है, कहा पुतिन ने। पश्चिम देश शांति वार्ता को जानबूझकर टाल रहे हैं, उसमें रोड़ा बने हुए हैं। पश्चिमी हथियार जंगी चिंगारी में घी का काम कर रहे हैं, कहा व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि अगर पेट्रियट दिया जाता है तो हम पेट्रियट को भी मार गिराएंगे। सवाल यह है कि ये जो स्टेटमेंट है पहले दिए गए स्टेटमेंट से कि अगर पेट्रियट दिया गया तो भारी तबाही होगी और ये सीधे सीधे अमेरिका वर्सेस रशिया समझा जाएगा और फिर नतीजे झेलने के लिए वेस्ट को तैयार रहना चाहिए, क्या इसे स्केल डाउन किया गया है? क्या पहले दिए गए स्टेटमेंट को पहले से कम करते हुए और ये बात कही जा रही है कि हम पेट्रियट को मार गिराएंगे? पहले तो ये कहा गया था कि अगर पेट्रियट दिया जाएगा तो नतीजे गंभीर होंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे इन टोटैलिटी। पुतिन ने संडे को जो बातें कही हैं उसके मायने क्या हैं और वो चीज़ें आगे अनफोल्ड कैसे होती हुई दिखाई देंगी। अगली अहम खबर देखिए, पुतिन की शांति वार्ता की कोशिश। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40,000 से 50,000 कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोशिशों की के बीच में यूक्रेन का उकसाने वाला कदम। रूस में घुस कर है बेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेनी हमले पर रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, यूक्रेन ने एंजल्स एयरबेस को ड्रोन से बनाया निशाना। ड्रोन अटैक में रूस के 3 सैनिकों की मौत। हालांकि रशिया की तरफ से दावा कि हमने ड्रोन को मार गिराया, और यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा इसके पहले दिसंबर के ही महीने में इस जगह को एक बार पहले भी निशाना बनाया गया था। आप जानते हैं रशिया के बेहद खतरनाक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स यहां पर तैनात रहते हैं और उन बॉम्बर्स वाले एयरबेस को एक बार फिर से एक महीने के भीतर भीतर निशाना बनाया जाना क्या कहता है यूक्रेन की हिमाकत के संदर्भ में, यह भी हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूक्रेन की हिमाकत पर एक्सपर्ट्स का दावा क्या है? पश्चिमी देशों के इशारे पर रूस में घुसकर हमला किया गया, एक्सपर्ट्स ने कहा। ज़ेलेंस्की खुद ही वॉर खत्म नहीं करना चाहते, एक्सपर्ट्स का दावा यह भी। रूस को पश्चिमी देशों से लड़ाना ज़ेलेंस्की का मकसद, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़ेलेंस्की का असल मकसद यह है कि अब यह रशिया वर्सेस यूक्रेन ना होकर रशिया वर्सेस नेटो और रशिया वर्सेस अमेरिका होना चाहिए और ज़ेलेंस्की इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो अपनी तरफ से शांति वार्ता की किसी पहल के तरफ अब कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और उसके लिए वो जो राइडर लगा देते हैं वो ये कि हमारे पहले इलाके वापस होना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं जंग की ये तस्वीरें। ये जंग कब रुकेगी? दोनों ही तरफ से मिलने वाले इशारों को अगर सामने रखें तो ये लगता नहीं कि ये जंग जल्द रुकेगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आइए बहुत जल्दी से आपको इस वॉल की तरफ ले चलता हूं, एक इलैबोरेटेड इंफॉर्मेशन दिखाता हूं और उसके बाद चलता हूं मेहमानों की तरफ। ये जंग कब रुकेगी? अगर पुतिन ने जो कल कहा है उसको आप सामने रखें, ज़ेलेंस्की की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो आप सामने रखें, नेटो और अमेरिका जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो आप सामने रखें, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कब रुकने वाला है कब नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है पश्चिमी देश शांति वार्ता में रोड़ा डाल रहे हैं, हम तो तैयार हैं। पश्चिमी देश ही असल में चाहते नहीं कि ये शांति वार्ता अंजाम तक पहुंचे, शुरू हो और अंजाम तक पहुंचे। सोवियत रूस को तोड़ने के गुनहगार हैं पश्चिमी देश, ये उनके दिल में जो टीस है एक बार फिर से जुबान पर आई। और क्यों असल में आप देखते हैं वेस्ट की तरफ उनके दिल में ये खलिश थी, एक बार फिर से सामने उन्होंने अपने जुबान से सामने रखा कि ये देखिए सोवियत रूस को तोड़ने के गुनहगार हैं। पश्चिम के हथियार केवल संघर्ष को लंबा खींच सकते हैं, डिसाइसिव यूक्रेन की तरफ से कुछ हो जाएगा उनको जीत मिल जाएगी ऐसा कतई नहीं है, बस संघर्ष लंबा खींचेगा, एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने कहा। लेकिन यहीं पर यह बात कही गई कि अगर पेट्रियट दिया जाता है हम उसे मार गिराएंगे। अब जरा देखिए रूस में घुसकर फिर यूक्रेन के में ड्रोन अटैक। यूक्रेन को ड्रोन अटैक के लिए किसने उकसाया होगा और इसको अगर आगे आप समझते हैं तो पुतिन को प्रोवोक करने में कौन लगा हुआ है और क्या सीधे सीधे किसी एक जंक्शन पर यह कहकर रशिया जो ये कहता रहा कि आप उनको ऑफेंसिव हथियार मत दीजिए, कहीं पर यही कहते हुए कि आपने इनको ऑफेंसिव के लिए इतना हथियार दे दिया है कि अब हमको आपसे सीधे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ज़ेलेंस्की जो चाह रहे हैं उस ट्रैप में क्या पुतिन फंस जाएंगे? अब जरा देखिए एंजल्स में जो एक बार ये फिर से अटैक हुआ है, ये 800 किलोमीटर अंदर रूस की मेन टेरिटरी में किया गया अटैक है, ये क्या बताता है? जरा देखिए ये कहां पर है, कीव देख लीजिए कहां है यूक्रेन, आप जानते हैं कीव अगर यहां है, खार्कीव यहां, और यहां पर अगर रशियन और यूक्रेनियन बॉर्डर है इस जगह से तो यहां से करीब करीब 800 किलोमीटर अंदर रशिया के अंदर घुसकर एक बार फिर से
इससे पहले 6 दिसंबर को यह हमला बोला गया था, तब भी ड्रोन के जरिए अटैक किया गया था। एक बार फिर से एंजल्स, और यह कितना महत्वपूर्ण एयरबेस है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहां रशिया के महत्वपूर्ण TU-95 और TU-160 जैसे बॉम्बर्स तैनात होते हैं। आगे मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए ये देखिए जरा, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं Tupolev-160 और Tupolev-95 जैसे बॉम्बर। ये कितने खतरनाक बॉम्बर हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव आपको बताएंगे। इस जगह को टारगेट किए जाने का मतलब क्या है, ये भी वो बताएंगे। और क्या इस जगह पर दूसरी बार हमले को रशिया गंभीरता से लेगा, या रशिया इस समय अपनी बातों में जो चीजें कह रहा है असल में कर उससे कम रहा है, और इसके पीछे उसकी स्ट्रैटेजी है, ये भी हम समझेंगे। रूस का दावा क्या है, यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया गया, ये रशिया की तरफ से कहा गया। ये भी संभव है कि इस समय इज्जत बचाने के लिए उसकी तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया हो। ड्रोन अटैक में रूस के 3 सैनिक मारे गए हैं, यह खबर यूक्रेन की तरफ से सामने रखी जा रही है। एंजल्स एयर बेस पर रूस के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स तैनात थे, यूक्रेन को डर था कि इन बॉम्बर से यूक्रेन में अटैक होगा। 6 दिसंबर को भी यूक्रेन ने इस एयर बेस को निशाना बनाया था। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि यहां पर इसके पहले जो 6 दिसंबर को हमला किया गया था, उसके बाद तस्वीर साझा करते हुए यूक्रेन की तरफ से ऑफिशियल हैंडल ये उसमें कह रहा था हाउ यू। अब आप समझिए, जले में नमक छिड़कने के बाद 6 दिसंबर के बाद अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, यह दूसरा हमला है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीके श्रीवास्तव सर के पास ही, क्योंकि ये एयर बेस पर हमला है। सर, आप किस तरीके से ले रहे होंगे पुतिन इसको? दिनेश, ये हमला जो है वो Tupolev-160 जहां स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स उनके हैं, जो ट्रायड का एक पार्ट है, जो न्यूक्लियर ट्रायड होता है, जिसमें कि आप सी से अंडर सी जिसे बोलते हैं, और सरफेस से जैसे अर्थ से और एयर से जो अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक अपने बॉम्ब्स डाल सकते हैं, उसका एक हिस्सा है। 6 दिसंबर को जो अटैक हुआ था ड्रोन के जरिए, वो शायद मैं इसको टोही हमला मानूंगा। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर डिफेंस नेटवर्क कितना इनका सजग है, सतर्क है, क्या ये उसको इंगेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अभी इस बार रशिया ने ये कहा है कि हमने उसको इंगेज किया है, लेकिन वो गिर गया वहाँ पर। वैसे अगर आप इसको सामरिक दृष्टि से देखेंगे, ये छुटपुट घटना है, right. ये कोई युद्ध के उसको रास्ते को नहीं बदल सकती है, right. लेकिन अगर आप इसको देखेंगे टोही विमान के तरीके से, right. कि अगर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर डिफेंस नेटवर्क जो है, right. वो रशिया का कितना सजग और सतर्क है, उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसलिए पुतिन को भी एक वार्निंग है कि अगर आप इसको फर्दर एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम आपके उन ठिकानों पर हमला करेंगे जो कि आपके न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा हैं। न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा, जमीन, हवा और पानी, इन तीनों जगहों से जो न्यूक्लियर हथियार दागने की कैपेबिलिटी और इससे जुड़ी हुई जो फोर्सेस होती हैं, इनको ट्रायड कहते हैं। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई ठिकाना अटैक पर लाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि रशिया को किस तरीके से इंस्टिगेट और प्रोवोक करने का काम किया जा रहा है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।